जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों की ओर से चल रही हड़ताल दूसरे दिन जारी रही, जिस संबंध में जानकारी देते हुए गुरदीप सिंह सफरी ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। पंजाब सरकार दियां मारू नीतियां जिहड़ियां मुलाजमां नूं 4.5 साल तो चलनियां पै रहियां, जदों के डीसी दफ्तर दे कामियां दी डिमांड तां घट स्टाफ नूं पूरा करना सी, पर उहदा सिला सरकार ने सानूं इह दित्ता कि रीस्ट्रक्चिंग दा बहाना लै के रीस्ट्रक्चिंग करके साडियां जिहड़ियां कलर्कां दियां 227 असामियां ते सीनियर सहायकां दियां 132 असामियां खत्म करतियां, जदों के हर समय एमरजेंसी सर्विसेज लई डीसी दफ्तर हमेशा अगे रहिंदा है। उस हालातां जदों लोग अपने घरां च सुते हुंदे तां डीसी दफ्तर दे कामे दफ्तरां च बह के लोगों की सेवा च हाजिर रहिंदे ने, पर सरकार ने इसका मुल यह पाया कि काम कर रहे लोगों नूं घर बिठाने की तैयारी कर ली है, जिहदे विरोध दे विच कल पंजाब दे 23 दे 23 जिले गुरप्रीत कांगड़ की कोठी का घरा किया, पर उस मंत्री वालों मुलाजमान की सार लैन की बजाय अपनी कोठी छड के चलिया गया अते सरकार का कोई भी नुमाइंदा उत्थे साडी सार लैन लई नहीं पहुंचा, जिस दे चलते सूबा बॉडी च भारी रोस है और सूबा बॉडी के हुक्म अनुसार अज डीसी दफ्तर पठानकोट के सारे साथी मुड़ हड़ताल से चले गए ने और उदों तक ये हड़ताल जारी रहेगी जदों सर तक सरकार रीस्ट्रक्चिंग की चिट्ठी वापस नहीं लैंदी। मेरी सूबा बॉडी वालों सरकार नूं यह अज इस मंच तो चेतावनी है कि सरकार जल्दी तो जल्दी इस मसले नूं सुलझाए, नहीं तो आने वाला समा जिहड़ा सरकार नूं मूँह दिखानी पवेगी। असी माल विभाग की रीस्ट्रक्चरिंग के विरुद्ध कल माल मंत्री की कोठी का घराव किया, श्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ जी की बठिंडा जिला दे विच पिंड कांगड़ विखे 23 जिले के 23 जिले उत्थे इकट्ठे हुए सी मंत्री साहब नूं मंग पत्र देने लई, पर उन्होंने कोई भी साडा मंग पत्र लैण लई उत्थे आप कोठी जा छड के जा चुके सी। इस दे विरोध विच असी हुण सूबा बॉडी साडी ने फैसला किया कि जदों तक रीस्ट्रक्चिंग का फैसला वापस नहीं सरकार लैंदी उदों तक अणमिथे समय लई हड़ताल रहेगी। असी कोई भी डीसी ऑफिस इंप्लाइज यूनियन कोई भी सरकारी कामकाज उदों तक नहीं करांगे जदों तक रीस्ट्रक्चिंग का घोड़ा जड़ा जां फैसला गलत लिया वापस नहीं लिया जांदा जी। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।